हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना चाहिए दोस्तों। तो आज निकल रहे हैं फिर एक जगह के लिए, और हमारे साथ में रहेंगे हमारे चित परिचित गृह मंत्री जी, है ना? तो आइए चलते हैं, आज फिर कहीं निकल चलते हैं, आइए। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं गुफा वाले बाबा के मंदिर में, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफ़ी फेमस है। डिस्ट्रिक्ट बागपत में पड़ता है ये, और आप देखेंगे काफ़ी फेमस है वही मंदिर इस क्षेत्र में। बागपत से लगभग 3 किलोमीटर है, और मेरठ से बागपत 52 किलोमीटर है, उससे 3-4 किलोमीटर और आगे ये मंदिर पड़ता है। तो ये हम पहुंच चुके हैं गुफा वाले बाबा के मंदिर में। आज रविवार का दिन है, तो आज भी श्रद्धालु लोग काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे। वैसे यहाँ बताते हैं कि होली और दिवाली में तो दोस्तों इतनी भीड़ रहती है यहाँ पे, इतने श्रद्धालु आते हैं कि पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती। तो काफ़ी श्रद्धा है इसके लिए भक्तों में। और आप देख रहे होंगे संडे का दिन है, तो काफ़ी आज भी आए हुए हैं। तो चलो प्रवेश करते हैं इस मंदिर में। ये देखिए आप, ये सामने जो है मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा, और आगे चल के देखते हैं, क्योंकि मैं भी पहली बार आया हूँ यहाँ पे। और ये देखिए आप, काफ़ी तादाद में श्रद्धालु हैं यहाँ पे। और सामने एक महाराज दिखाई दे रहे हैं, और ये देखिए छत का नज़ारा, काफ़ी सुंदर जो है छत जो है इसकी बनाई हुई है अंदर से। वाह, क्या खूब है, बहुत सुंदर, आप देख रहे होंगे। तो वो सामने बाबा की मूर्ति लगी हुई है, और ये महाराज यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये बाबा की समाधि है दोस्तों, है ना? तो बाबा की समाधि पे ये चद्दर वगैरह चढ़ा रहे हैं जो श्रद्धालु हैं। तो काफ़ी फेमस है इस इलाके में ये, आप देख रहे होंगे ये बाबा की मूर्ति, ये देखिए। असल में बताते हैं कि यहाँ पे बहुत समय पहले बाबा एक यहाँ पे गुफा बना के रहते थे, काफ़ी बियाबान जंगल में। और यहाँ पे एक जंगली भैंसा हुआ करता था, खूनी भैंसा, तो वो बहुत तंग करता था आसपास के इलाके में लोगों को। तो बताया जाता है कि बाबा ने उसको अपना जल मंत्र पढ़ के जल फेंक दिया उसके ऊपर, तो वो पत्थर का बन गया था। अभी आप आगे भी देखेंगे जैसा कि बताते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए आप, ये श्रद्धालु लोग इस पर जल चढ़ाते हुए और चद्दर वगैरह फूल माला अर्पण करते हुए, ये देखिए ये महाराज को दे रहे हैं, और महाराज इस पर ये चढ़ा रहे हैं जल। ये देखिए, जय गोपाल वाले बाबा, आप देख रहे होंगे, देखिए काफ़ी मान्यता है दोस्तों इसकी, है ना, इस क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मतलब आप, ये एक्चुअल में दिल्ली सहारनपुर हाईवे इसके ऊपर ये स्थित है, बागपत से 3 किलोमीटर के करीब है ये। तो आप यहाँ दिल्ली से भी आ सकते हैं, दिल्ली से जब सहारनपुर रोड पर आएंगे तो उससे भी आ सकते हैं। ये है दोस्तों बाबा की समाधि, गुफा वाले बाबा की। और यहाँ पे श्रद्धालुओं में इतनी श्रद्धा है इसके प्रति बाबा के, कि वो अपना जो है मनोकामना उनकी पूर्ण होती है, और मनोकामना पूर्ण होने के बाद में वो अपना चद्दर वगैरह यहाँ चढ़ाने आते हैं। तो बहुत ही फेमस है दोस्तों ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, है ना? आपने भी सुना होगा, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहते हैं या हरियाणा में सोनीपत साइड रहते हैं लोग, तो इसकी काफ़ी मान्यता है, आप देख रहे होंगे। और बताते हैं, जैसे मैं पहले बता रहा था, होली दिवाली के दिन तो यहाँ पे बहुत ही अपार भीड़ रहती है दोस्तों, है ना, आप देख रहे होंगे इसको। ये किसकी जोत जल रही है, क्या है ये? बाबा का धूना है, बाबा का धूना। ये
मतलब जलता रहता है ये, 24 घंटे चलता रहता है। तो रूपचंद जी थोड़ा सा इसके बारे में बताइए हमें कुछ। ऐसा है जी। हाँ जी। ऐसा सुना। हाँ जी। यहाँ व्यापार जंगल था। अच्छा जी। वन था। हाँ जी। ये बाबा यहाँ रहा करे थे। अच्छा जी। इन्हें एक मिट्टी का टिल्ला था। अच्छा जी। उसमें गुफा खोद रखी थी। मिट्टी के टिल्ले में गुफा खोद रखी थी। ठीक है जी। सब गुफा वाले थे। गुफा वाले। अच्छा अच्छा अच्छा। एक भैंसा था। है भैंसा। हाँ भैंसा था एक। अच्छा खूनी भैंसा था। अच्छा खूनी भैंसा। वो मारा करे था। अच्छा। वो बाबा के मारा आया। हाँ। उन्होंने शराब दे दिया पत्थर हो जाओ पत्थर। अच्छा अच्छा। तो वो जो वहाँ सामने मंदिर बन रहा है वो देख रहे होंगे दोस्तों आप, तो वही है। तो वहाँ मंदिर किस लिए बना था ये? तो मंदिर बनाया वो भेटे का मंदिर है जी। अच्छा पत्थर का जो होता है ना। अच्छा तो पत्थर का बना दिया था। इतवार का महत्व है। हाँ जी। बाबा 5 घर भिक्षा मंगल जाओ। अच्छा जी। जिसने दे दिया उसने बोला। हाँ जी। ना दे दिया उसने। अच्छा अच्छा। इतवार का महत्व नहीं। इतवार का होली दिवाली का तकड़ा मेला। अच्छा होली दिवाली में बताते हैं यहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती है। अच्छा अच्छा। हाँ क्योंकि मेरे को भी पता चला था कि भाई गुफा वाले बाबा हैं, तो मैं सोचा चलो भाई देखा जाए। तो ये क्या, ये जो यहाँ पे ये समाधि है बाबा की। तो दोस्तों ये आप देख रहे होंगे ये समाधि है बाबा की, जैसा कि इन्होंने बताया। और ये समाधि है बाबा की है ना, ये वाली सामने है ना। अच्छा अच्छा ठीक है। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के बारे में बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों ये है गुफा वाले बाबा, और अभी आपको रूपचंद जी ने बताया, जैसे काफ़ी जानकारी थी उनको यहाँ पे कोई बाबा हुआ करते थे, और उनकी आप ये समाधि भी देख रहे होंगे। ये सामने समाधि है, वो सामने बाबा का जो है वहाँ पे लगी हुई है मूर्ति। काफ़ी संडे को काफ़ी भीड़ भाड़ है, और होली दिवाली को बता रहे हैं जैसे यहाँ पे काफ़ी जो है होली दिवाली में तो बहुत ही बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। मैं सोचा था आपको ये चीज़ भी दिखाई जाए। कोशिश करता हूँ आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कुछ एक जो चीज़ें फेमस हैं उनको दिखाने के लिए। जय बाबा गुफा वालों, जय हो। देख रहे होंगे आप श्रद्धालु जो हैं काफ़ी तादाद में यहाँ पे आ रहे हैं आज, इतवार को ज़्यादा यहाँ पे रहता है। दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो है एक मंदिर अलग से बना हुआ है ये, इसमें हमारे भोले शंकर हैं, श्री गणेश हैं और बजरंगबली हैं। तो ये एक अलग से भी इसमें यहीं पे इसके परिसर में ही बनाया हुआ है ये, आप देख रहे होंगे। ये रक्षा सूत्र बंधवाते हुए हम और ये पंडित जी से अभी तिलक लगवाएंगे। जय गुफा वाले बाबा। और यहाँ प्रसाद की दुकानें भी लगी हुई हैं आप देख रहे होंगे, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। ये प्रसाद की दुकानें हैं यहाँ पे आप देख रहे होंगे। होली दिवाली को बताते हैं काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे। अच्छा तो यहाँ पे एक हमारे यूट्यूबर भी मिल गए हैं साथी। हेलो गाइस, कैसे हो? हाउ आर यू? तो कुछ बताइए यहाँ के बारे में, आपको तो ज़्यादा पता होगा भाई। मैं बाबा के लिए बता रहा हूँ। हाँ हाँ। बाबा यहाँ पे 500 साल पहले इन्होंने तपस्या की थी। अच्छा अच्छा। शिव जी भोलेनाथ की। हाँ हाँ। तो इन्होंने बाबा ने मतलब शिव जी भोले ने वरदान दिया था बाबा जी को, ठीक है, इसलिए ये अमर हो गए और इनकी समाधि बन चुकी है। हाँ हाँ। बहुत पहले कम से कम 200 हमें तो पता, हम तो छोटे छोटे थे। हाँ हाँ। उसके बाद ये जब सब पूछता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये बाबा की जो समाधि भी बनी हुई है अंदर है ना, और वो सामने एक पीछे मंदिर बना हुआ है, वो क्या है? वो बाबा ने मतलब वो खूनी भैंसा था। हाँ हाँ। मतलब बाबा को मारता था, मतलब सभी को मारता था, वो पागल हो गया था। हाँ हाँ। तो जब नहीं मानना वो बाबा के कहने पर, हाँ, तो बाबा ने जल का छिंटा लगाया। हाँ। और वो पत्थर का मतलब समाधि बन गया, मतलब इतनी शक्ति थी बाबा में। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और यहाँ पे भी तो ये भैंसी की समाधि है।
शंकर जी पूजा करते हुए। ठीक है जी, इधर देखेंगे एक बार। हाँ हाँ बस हो गया हो गया। गृह मंत्री जी बड़े खुश हैं आइसक्रीम खाते हुए। गाड़ी खड़ी की हुई है, मैंने कहा आइसक्रीम खा लेते हैं पहले, उसके बाद चलते हैं फिर आगे। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं घर। बताइएगा आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ में, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।